सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के बाद अब सरायकेला पुलिस एक्शन में है। जिले की सड़कों पर हो रही दुर्घटनाओं के बाद सभी थानों की पुलिस ने सड़क पर कवायद तेज कर दी है। राज्य पुलिस महानिदेशक और एसपी के निर्देश पर पहले सभी थाना क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को लेकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया, उसके बाद अब पुलिस ने सड़क पर सख्ती बढ़ा दी है। रविवार को सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना प्रभारी ने दल बल के साथ सड़कों और चौक चौराहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान ड्रंक एंड ड्राइव, वाहनों के कागजात, ट्रिपल लोडिंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए दोषी चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी राजन कुमार ने बताया कि अज्ञानतावश राहगीर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत पहले लोगों को जागरूक किया गया और अब लोगों के साथ सख्ती बरती जा रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी हाल में ड्रंक एंड ड्राइव और यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आम लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। अभी सड़क सुरक्षा दिवस चल रहा है, हेडक्वार्टर का आदेश है, एसपी साहब का आदेश है, डीआईजी साहब का आदेश है, एसडीपीओ साहब का आदेश है कि सड़क में जो दुर्घटना बढ़ गई है, बहुत सारे मोटरसाइकिल से बड़ी गाड़ी से एक्सीडेंट हो रहा है, उसको रोकथाम के लिए बहुत सारा गाइडेंस दिया गया। रोड सुरक्षा से संबंधित जो भी गाइडलाइंस दिया गया उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिसका उम्र नहीं है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, रफ ड्राइविंग ना करें, ड्रंक करके ड्राइविंग ना करें, उसी सिलसिले में गाड़ी को रोक करके सत्यापन किया जा रहा है। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी है तो उसको एक आकर बोल के हम लोग छोड़ देते हैं। कुछ एजुकेटेड लोग हैं जो लगातार समझाने के बाद ही बिना हेलमेट के स्पीड में चलते हैं और जिसके चलते दुर्घटना हो रही थी। अभी डीआईजी सर का आदेश है, एसपी साहब का आदेश है कि एकदम इस पर विशेष रूप से सघन अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी की दुर्घटना ना हो। दुर्घटना होने से काफ़ी हम लोग भी दुखी हो जाते हैं, किसी का परिवार का बच्चा चला जाता है, उसी रोकथाम के लिए ही चेकिंग कर रहे हैं ताकि सब लोग को जागरूक कर रहे भी कि आप लोग हेलमेट पहनिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के रखिए, ट्रिपल राइट ना चले और रोड क्रॉसिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उस सब पर विशेष रूप से ध्यान दें। बड़ी गाड़ियों पे भी ध्यान है, छोटी गाड़ियों पे भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं और सबसे अनुरोध है जनता से, छोटे बच्चों से कि पहले कि आप छोटे बच्चों को गाड़ी ना दें और जनता से अनुरोध है कि आप लोग जहाँ भी क्रॉसिंग है वहाँ स्पीड से पार ना करें और ड्रंक करके ना चलाएँ और बिना हेलमेट का ना चलें। न्यूज विंग के लिए सरायकेला से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाए इंडिया को मजबूत ज्यादा। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। दिल्ली पब्लिक स्कूल, एडमिशन गोइंग ऑन, नर्सरी टू क्लास 11, सीसीटीवी से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर, संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए हॉस्टल, आरओ के जरिए पेयजल समेत तमाम मूलभूत सुविधा, तो जल्द कराएं अपने बच्चों का एडमिशन। दिल्ली पब्लिक स्कूल।